जो सामने दिखे उसी में खो जाते हो, जीवन के सभी रंगों को ना पहचान पाते हो। शायद नहीं जानते थे वे अवसर अनोखे, शायद तैयार नहीं थे आदतों से विदा होने को। अब समय है देखने का, क्या है तुम्हारे लिए सही, क्या भरता है जीवन के खाली स्थान, क्या छोड़ता है वही। आगे बढ़ो उसी सूची के संग जो तुम्हारी कहानी कहे, तुम्हारे तकदीर को खुद से रचने का एक नया रास्ता दे। नमस्ते, मैं बात कर रहा हूं फोर ऑफ कप्स की। फोर ऑफ कप्स अपने आप में एक बहुत ही खास कार्ड है और ज्यादातर आपको जो है बुक्स में जो है एक ही मीनिंग उसका मिलता है। इस वीडियो के जरिए मैं आपसे जो है डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो है फोर ऑफ कप्स के जो है शेयर करना चाहता हूं। फोर ऑफ कप्स सदा से जो है मेरे भीतर जो है जिज्ञासा पैदा करता रहा है, क्योंकि यह हर मौके पे आपको एक नया संदेश देता है। परिस्थिति को देखते हुए ये कार्ड जो है आपको नया मैसेज देता है। तो आइए फोर ऑफ कप्स में प्रवेश करते हैं। अक्सर इस कार्ड को इस तरह से देखा जाता है कि ये वक्त है इंट्रोस्पेक्शन का, कंटेम्पलेशन का, ये वक्त है जब आप अपने साथ समय बिताएं, ये वक्त है जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ये वक्त है कि आप लोगों से अलग है। ये सब डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हैं कहीं ना कहीं, और ये सब अलग अलग पर्सपेक्टिव है। और आपको यही समझना है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्ड जो है उस स्थिति में आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है उसको परखने की बात है, उसको समझने की बात है। कार्ड, जैसा कि मैंने बताया कि टैरो जो है एक जीवित विद्या है, वो आपको जो है कोई फिक्स मैसेज नहीं देता, वो आपको जो है एक ही तरह से चलने को नहीं कहता। टैरो का ज्ञान जो है बहुत जीवित है, स्पॉन्टेनियस है। जितना आप इस मोमेंट में आ जाते हैं उतना आप उसको जो है परसीव कर पाते हैं, उतना आप उसको समझ पाते हैं। तो मेरी अप्रोच यही है इस वीडियो में कि आप जो है इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव समझ सकें और अपनी लाइफ में उन मीनिंग्स को जो है अप्लाई कर सकें सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम विजुअल को समझते हैं। इसके विजुअल में हम देखते हैं एक आदमी जो है पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और जो पेड़ की जो और जहां पे वो पेड़ स्थित है वो थोड़ा सा हाइट में है और उसके सामने जो है तीन कप्स रखे हुए हैं और एक कप जो है उसको ऑफर किया जा रहा है। हम देख सकते हैं कार्ड के अंदर कि उसकी नजर जो है सटीक जो है उन तीन कप्स की तरफ लगी हुई है। जो चौथा जो कप उसको जो है ऑफर किया जा रहा है, या तो वो उसको इग्नोर कर रहा है या फिर जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहता। अब कुछ लोग इसको ध्यान की स्थिति भी बोलते हैं कि ये व्यक्ति जो है ध्यान के साथ जुड़ा हुआ है, ध्यान कर रहा है, फोकस्ड है। और एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि ये व्यक्ति जो है इस मोमेंट में जो अपॉर्चुनिटी इसको जो दी जा रही है, जो उसको गिफ्ट की तरह एक चीज मिल रही है, जो उसकी लाइफ के लिए एक पॉजिटिव मैसेज हो सकती है, वो उसको जो है इग्नोर कर रहा है। तो सबसे पहला पर्सपेक्टिव जो इसका है कि ये व्यक्ति जो है ध्यान कर रहा है, ये व्यक्ति जो है अपने साथ समय बिता रहा है, ये अपने भीतर जो है बहुत एब्जॉर्ब हो रखा है, ये जो है अपने साथ जो है पूरी तरह से जो है ये अपनी एक ऐसी स्थिति दिखा रहा है कि वो दूसरों के लिए अभी उपलब्ध नहीं है, कि वो अपने मार्ग में जो है बिल्कुल भी किसी भी तरह का जो है अनफोकस नहीं चाहता, किसी भी तरह की अनक्लैरिटी नहीं चाहता। इसलिए उसको जो है पता है अपनी मंजिल का, उसको पता है उसको कहाँ जाना है, इसलिए जो है उसकी नज़र जो है वहाँ टिकी हुई है। जैसे कि अर्जुन की कहानी, अर्जुन और उसके साथियों की परीक्षा जब हो रही थी तो गुरु एक एक करके जो है सभी विद्यार्थियों से पूछ रहा था कि तुम्हें क्या दिखता है, जिस पे तुमने निशाना लगाना है तुम्हें क्या दिखता है। कोई कहता था कि मुझे मछली दिखती है, कोई कहता था मुझे मछली का आकार दिखता है। लेकिन जब अर्जुन की जब बारी आई, अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ मछली की आंख दिखती है।
क्योंकि मेरा निशाना जो है उसकी आंख पे ही लगेगा। मुझे उसके शरीर, उसके आकार, वो क्या है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मुझे उस मछली की आंख पे जो है निशाना लगाना है। और उसी तरह से हमारा फोर ऑफ कप्स के अंदर जो हमारा करेक्टर है, जो उन तीन कप्स को देख रहा है, वो उसकी तरफ फोकस्ड है, वो और कुछ नहीं देखना चाहता। ये अपने आप में एक संकल्प का मार्ग है, ये अपने आप में एक बहुत ही एक पॉजिटिव स्थिति भी है कि जब आपने किसी मार्ग पे चलना हो तो आपको इस तरह का फोकस चाहिए। आपको जो है एक टुक जो है उस मंजिल पर जो है आपकी नजर जो है हमेशा रहनी चाहिए। और इसलिए उस स्थिति में हम देख सकते हैं कि इसको डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, कि उसको जो है जैसे कुछ ऑफर किया जा रहा है लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है। उसके लिए बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो तीन कप्स। इसलिए वहां पे जिस तरह की स्थिति दिखाई गई है, बहुत लोगों का इंटरप्रिटेशन होता है कि यहाँ पे ये व्यक्ति जो है ध्यान कर रहा है, ध्यान कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज जरूर हमें पता है कि ये जो है फोकस्ड है, क्योंकि हम देख सकते हैं उसकी जो नजर है वो एक टुक जो है वहां पे उन तीन कप्स के ऊपर लगी हुई है। और फिर हम देखते हैं कि उसने अपने जो है हाथ इस तरह से बांध रखे हैं। जब भी आप इस तरह से अपने आप को कर लेते हैं, ये जो एक बॉडी की जो एक लैंग्वेज है वो ये बताती है कि आपने अपने आप को जो है बाहर के कनेक्शंस के लिए जो है बंद कर लिया है, कि आपने जो है बाहर से आने वाली हर चीज को जो है उसके लिए दरवाजा जो है बंद कर दिया है। इसलिए इस कार्ड को जो है भगवान बुद्ध की कहानी के साथ भी जोड़ा जाता है। भगवान बुद्ध जो है बहुत रास में पले, उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ पॉजिटिव ही देखा, उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ वासना की पूर्ति देखी। लेकिन एक वक्त आया कि जब उनकी नजर जो है बुढ़ापे पे पड़ी, जब उनकी नजर जो है मृत्यु पे पड़ी, जब उनकी नजर उस सन्यासी के ऊपर पड़ी, और जिस दिन उन्होंने उस रियलिटी को देखा, उनके भीतर जो है सब कुछ बदल गया। उस दिन रात को जो है उन्होंने निर्णय किया कि वो अपना घर छोड़ देंगे। और जब वो घर छोड़ के जा रहे थे, उसी दिन उनकी पत्नी ने एक बहुत सुंदर बच्चे को जो है जन्म दिया, जिसका नाम था राहुल। उसका नाम भी राहुल इससे पड़ा क्योंकि वो राहु की तरह जो है बुध के सामने जो है प्रकट हुआ, कि जो बुध को जाने से जो है रोकना चाहता था, लेकिन बुध जो है अब कहीं और जा चुके थे। बुध जो है अब महल में नहीं रह गए थे। उनके सारथी जब उनको छोड़ने जा रहे थे तो उन्होंने सारथी को कहा कि ये मेरे कपड़े, ये मेरे गहने, ये मेरा सब धन, ये जो है ये तुम रख लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सारथी ने कहा कि आप ये सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, इतना बड़ा घर है आपका, इतनी सुंदर पत्नी है, आपका बच्चा है, आप राजा हैं, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं। बुद्ध ने पीछे मुड़ के देखा और उन्होंने सारथी को बोला कि मैं अग्नि के सिवा वहां कुछ नहीं देखता, मैं उस महल को जलते हुए देख रहा, मैं वहां मृत्यु को देख रहा हूं, सुंदर से सुंदर महल क्यों ना हो, सुंदर से सुंदर पत्नी क्यों ना हो, एक दिन मुझसे छिन जाएगी, एक दिन ये मेरे जीवन से सब कुछ चला जाएगा। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि मृत्यु है, मैं मृत्यु की अपेक्षा कैसे कर सकता हूं। अगर मुझे इस शरीर को छोड़ना है एक दिन, तो फिर मैं इसकी अपेक्षा कैसे कर सकता हूं कि मृत्यु नहीं है। तुम कहते हो कि महल देखो, तुम कहते हो पत्नी को देखो, तुम कहते हो मैं राजा हूं, मैं तुमसे पूछता हूं लेकिन कितने समय। इसलिए भगवान बुद्ध की एक सबसे इंपॉर्टेंट एक टीचिंग में से एक टीचिंग ये भी है कि वो कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि समय है लेकिन समय है नहीं। इस समय के अंदर तुम कहां खो जाओगे, कब मिट जाओगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो समय, तो ये जो थोड़ा सा समय जो मेरे पास है, इसको मैं जागने में लगाऊं। इसलिए मेरा फोकस, मेरा संकल्प यही है कि मैं अपने ऊपर काम करूं,
मैं उस स्थिति को ढूंढूं कि कैसे मैं उस मृत्यु के पार जा सकता हूं, कैसे मैं अमर हो सकता हूं, कैसे मैं उस बुद्धत्व की स्थिति में पहुंच सकता हूं। इसलिए तुम रथ लौटा लो, अब मेरे लिए वो सब कुछ बेकार हो गया। मृत्यु कल आनी है लेकिन मेरे लिए आज ही मृत्यु आ गई। तो इस कहानी को जो है इस कार्ड के साथ भी जोड़ा जाता है, जो कि अपने आप में एक बड़ा सुंदर मैसेज है कि जब आपने अपने भीतर की यात्रा शुरू करनी हो तब आपको जो है बाहर से जो भी ऑफर किया जा रहा है, बाहर से जो भी आपको गिफ्ट दिए जा रहे हैं, बाहर से जो भी आपको लुभाया जा रहा है, आप उन सब चीजों के प्रति जो है उदासीन हो गया, आपका जो है टोटल इंटरेस्ट जो है खो गया। सुंदर से सुंदर स्त्री या पुरुष भी आपके जीवन में आ जाए, जितना मर्जी धन आपके जीवन में आ जाए, लेकिन जब मृत्यु आपको समझ में आ जाए तो फिर सब कुछ बेकार हो जाता है, किसी चीज की कोई कीमत नहीं रह जाती। तो ये एक पर्सपेक्टिव है इस कार्ड का जो कि बहुत सुंदर है, इसलिए हमने उसको जो है थोड़ा चढ़ाई पे दिखाया कि कोई भी उसके पास जो है आराम से ना पहुंच सके। इसलिए जैसे भगवान बुद्ध के साथ एक स्थिति बनी थी कि जब वो बुद्धत्व के बहुत करीब थे, उस वक्त संसार या हम कहें तृष्णा या हम कहें मार, उन्होंने भगवान बुद्ध को लुभाने की उस वक्त कोशिश करी। उस वक्त भगवान बुद्ध के पास कोई भी नहीं था, जब उनके बुद्धत्व का समय था, जब उनके बुद्धत्व का क्षण था, उस वक्त मार उनके सामने प्रकट हुआ और मार ने कहा कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, इस पूरे संसार का तुम्हें जो है राजा बनाने के लिए तैयार हूं। उनके सामने जो है सुंदर से सुंदर स्त्रियां जो है उनके सामने प्रकट हुई, उनके सामने नृत्य किया, उनको लुभाने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध अपने भीतर जो है कहीं गहरे में जा चुके थे। बुद्ध ने वहां पे कोई जवाब नहीं दिया, बुद्ध बस अपनी मंजिल की तरफ देख रहे थे। वो क्षण बुद्ध के लिए जो है मिलन का क्षण था। तो फोर ऑफ कप्स को अगर हम देखें तो अपने आप में एक बड़ा सुंदर मैसेज कैरी करता है कि अगर आपका जो है फोकस है, कि अगर आप जो है भीतर के मार्ग पर जा रहे हैं, तो बाहर की चीजों से अपने आप को थोड़ा जो है खींचना पड़ेगा। बहुत बारी जो है मन के अंदर एक बात आ सकती है, बात ये आ सकती है कि संसार इतना बड़ा है, उसमें इतने सारे जो है उसमें इतनी सारी चीजें अनुभव करने की है, कैसे मैं अपने भीतर चले जाऊं, पहले मैं संसार को तो चखूं, पहले मैं उसके अलग अलग रंगों को तो देख लूं। ये एक तर्क ऐसा है कि जो आपको जो है भीतर जाने से रोक सकता है, क्योंकि एक छोटी सी बात है जो हमेशा याद रखने की है, जो कि बुद्ध का संदेश भी है कि वासना दुष्पूर है, कि वासना को भरा नहीं जा सकता, कि इसके संसार को तुम चखने जाओगे, इस संसार को तुम अनुभव करने जाओगे तो खुद चूक जाओगे। तुम्हारे पास बहुत थोड़ा सा समय है और तुम्हारे पास बहुत थोड़ी सी ऊर्जा है। अगर तुम इस संसार को जो है अनुभव करना चाहोगे तो तुम ऐसे खो जाओगे जैसे जैसे रेत में जो है एक पानी की बूंद। इसलिए जब हम भीतर के मार्ग में जाते हैं तो हमारे को वहां संकल्प लेना पड़ता है, हमें अपने बाहर के दरवाजे जो हैं बंद करने पड़ते हैं ताकि हम अपने भीतर जा सके। यही इस कार्ड के अंदर जो है हम एक मैसेज देखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता गुजर गई जिंदगी, चुपके से जैसे हवा छोड़े फिजा को, दिल के कोने में था एक ख्वाब महरूम जो कभी हकीकत बन ना सका, चार प्याले भरे थे सामने मगर जो चाहिए था वो कभी मिला नहीं, जाने कौन सा प्याला था जो खाली रहा या शायद हमने उसको देखा ही नहीं, कभी सोचा था खुशी चांद सितारे मगर दिल की राह में थी बस खला और अंधेरे, जो मिला उसमें राजी नहीं, जो चाहा वो हाथ ना आया। ये थी बुद्ध की रियलाइजेशन, ये बुद्ध का जानना था कि वो जो प्याले जो रखे थे उनके सामने, कि जो संसार उनको जो देना चाहता था वो उनके लिए सब बेकार हो गया। उनको ये भी दिख गया कि प्याले जो हैं भरे हुए हैं,
लेकिन भीतर जो है प्यास नहीं थी, भीतर जो थी भूख नहीं थी। भीतर से बुद्ध जो है कहीं दूर जा चुके थे, मृत्यु के पार जा चुके थे, इस संसार के पार जा चुके थे। इसलिए ये वाले प्रस्पेक्टिव के अंदर हम देख सकते हैं कि इस व्यक्ति ने जो है अपनी भीतर की यात्रा को चुना है। इस व्यक्ति ने अपने आप को बाहर के संसार की जो आवाजें हैं उससे जो है अपने आप को बंद कर लिया है। बाहर से जो भी उसके पास आ रहा है वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ फोकस्ड है कि उसको क्या चाहिए। उसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए, ना कम ना ज्यादा। मैं बेचैन हूं, मेरी प्यास अनजानी दूरियों के लिए है, मेरी आत्मा तरसती है उस धुंधले क्षितिज की ओट को छूने के लिए। हे असीम, तेरी बांसुरी की मधुर पुकार है। मैं भूल जाता हूँ, बार बार भूल जाता हूँ कि मेरे पंख नहीं है उड़ने के लिए, कि मैं सदा के लिए इस स्थान से बंधा हूँ। ये है दूसरा पर्सपेक्टिव, जो बताता है कि तुम जो है अपने छोटे से संसार के अंदर जो है इतने ज्यादा मग्न हो गए हो कि तुम्हें जो है बाहर की सुध नहीं रहेगी, कि बाहर से जो अपॉर्चुनिटीज जो तुम्हारे पास आ रही है, बाहर से जो तुम्हारे लिए गिफ्ट्स जो आ रहे हैं, बाहर से जो समय जो है तुम्हें नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता रहा है, उसकी तरफ तुम देखना नहीं चाह रहे। समय तुम्हारे लिए हर क्षण जो है एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, एक नया मौका लेके आ रहा है। अगर तुम अपने आप को बंद कर लोगे तो समय जो तुम्हें दे सकता है उससे जो है तुम चूक जाओगे। फिर इस पर्सपेक्टिव में हम ये भी देखते हैं कि जो व्यक्ति ने अपने आप को इस तरह से बंद कर लिया वो ध्यान क्या करेगा। ध्यान के लिए एक आरामदायक स्थिति चाहिए। ध्यान जो है आप अकड़ कर नहीं कर सकते, ध्यान जो है आप अपने आप को जो है टाइट करके नहीं कर सकते। ध्यान के लिए आपको अपने शरीर और मन को जो है हल्का छोड़ना पड़ता है, और जितने भी जो बंधन जिस तरह से अगर आपने बना दिए हैं तो उनको जो है ड्रॉप करना पड़ता है। ध्यान एक पूरे ट्रस्ट की स्थिति है, एक पूरे विश्वास की स्थिति है, कि जहां पे आप जो है टोटली अपने आप को लेट गो कर देते हैं, कि टोटली अपने आप को अलाउ करते हैं इस मोमेंट में फ्लो करने के लिए। और जब आप अपने आप को फ्लो करने देते हैं तो आप हर चीज के लिए ओपन हो जाते हैं, अच्छा बुरा हर तरह की चीज के लिए आप अपने आप को जो है खोल देते हैं, अपने दरवाजे और अपनी खिड़कियां जो है खोल देते हैं। तो जब दरवाजे और खिड़कियां खोल देते हैं तो वहां पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों संभावनाएं बन जाती हैं। कुछ ऐसा समझें कि अगर आप जो है ड्राइविंग करना बंद कर दें सिर्फ इसलिए क्योंकि एक्सीडेंट्स होते हैं, तो फिर आप कभी भी ड्राइविंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रिस्क तो सदा से रहेगा। लेकिन ये रिस्क लेने लायक है, क्योंकि गाड़ी चलाना इंपॉर्टेंट है, लाइफ में लाइफ को जीना इंपॉर्टेंट है, लाइफ को सही तरीके से जे लाइफ को सही तरीके से जो है अनुभव करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए दूसरे पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं इस आदमी को थोड़ा अपने आप को ढीला करने की जरूरत है, इस आदमी को थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करने की जरूरत है। जब आप अपने आप को बहुत ज्यादा फोकस कर लेते हैं तब आप अपने आप को बंद भी कर लेते हैं साथ साथ। तो जिस तरह से हम इस व्यक्ति को देख रहे हैं कि वो जो तीन कप्स के ऊपर जो है पूरी तरह से जो है अपनी आंख जो है गड़ाए हुए है, उसके कारण जो है उसने अपने आप को बंद कर लिया। वो किसी से मिलना नहीं चाहता, किसी से बात नहीं करना चाहता, वो अपनी लाइफ को जो है बिल्कुल अलग से जो है कहीं ना कहीं जीना चाहता है। इसलिए जो जीवन में जो नए अनुभव हो सकते हैं उन अनुभवों से ये व्यक्ति जो है चूक जाएगा, क्योंकि जो उसके दरवाजे पे खड़ा है, जो उसके दरवाजे पे जो है खड़खड़ा रहा है, उसकी तरफ जो है वो पूरी तरह से जो है एक इग्नोर की स्थिति में है। और फिर एक पर्सपेक्टिव और है, पर्सपेक्टिव ये है कि जब आप अपनी जिंदगी को जो है एक फिक्स तरीके से जीना शुरू कर देते हैं तो आपकी लाइफ जो है बहुत मैकेनिकल हो जाती है, आपकी लाइफ जो है एक रोबोट की तरह हो जाती है। इसलिए इस पर्सपेक्टिव में जो है हम व्यक्ति को जो है चेंज को एक्सेप्ट करने को कहते हैं, क्योंकि जीवन बदल रहा है तो आपको भी जीवन के साथ बदलना पड़ेगा। जीवन एक नदी की तरह है जो हर क्षण जो है बह रही है, और इस बहने के साथ जो है आप भी बदल रहे हैं। इस वीडियो को जब आपने देखना शुरू किया
तब आप कुछ और थे, और अभी और इस वक्त और इस पॉइंट तक जितना आपने वीडियो देख लिया है अब तक जो है कुछ बदल चुका है आपके भीतर, कुछ चेंज आ चुका है। उस चेंज को एम्ब्रेस करना है, उस चेंज को जो है स्वीकार करना है। कई बार जब वसंत की बेला ने दरवाजे पर दस्तक दी, मैं अपने काम में उलझा रहा और तुमने उत्तर नहीं दिया। अब जब मैं अकेला हूं, दिल उदास और व्यथित, वसंत फिर से आया है द्वार पर मैं नहीं जानता कैसे उसे लौटाऊं। वसंत हर क्षण जो है तुम्हारे आसपास है, तुम्हें सिर्फ अपने उलझन से बाहर आना है, तुमने सिर्फ उसे उत्तर देना है, और उसमें कभी भी देर नहीं होती। वसंत सदा से तुम्हारे पास है। जिस दिन जिस क्षण तुम तैयार हो उसी दिन वसंत जो है तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। तुम्हारे लिए जो है चीजें जो है उसी क्षण जो है बदल जाती है, तुम्हारे लिए द्वार उसी क्षण जो है खुल जाता है। इसलिए फोर ऑफ कप्स एक तरह का कॉम्बिनेशन है बहुत सारे पर्सपेक्टिव का, बहुत सारे अलग अलग व्यू पॉइंट्स का। लेकिन अगर हम गहरे में जो है इन सबको जो है एक कॉमन मैसेज जो है इन सब में से निकालना चाहें, तो कॉमन मैसेज यही है कि यहाँ पे जो है फोकस भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए, ध्यान भी चाहिए, और एक ओपननेस भी चाहिए। इन सब का जो है कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन चाहिए कि जहाँ पे जो है आपके जीवन का जो है फूल खिल सके। और फूल खिलना जो है सिर्फ भीतर से ना हो, वो फूल खिलना जो है बाहर से भी हो। जब भीतर का फूल जो है बाहर के फूल के साथ जो है जब मिलता है, उस दिन जो है आपकी यात्रा पूरी तरह से पूर्ण होती है। बाहर की जो रिचनेस है, बाहर की जो समृद्धि है, वो भीतर की समृद्धि से जब मिलती है तब उसकी बात ही कुछ और होती है। ये बात सच है कि भीतर की समृद्धि जो है वो बाहर की समृद्धि के ऊपर आश्रित नहीं है, लेकिन आज के समय इम्पॉर्टेंट ये है कि हम बाहर भी अपने अपने जीवन को जो है समृद्ध बनाएं, बाहर भी जो है अपने जीवन को जो है जो बेसिक जो एक जो जीवन जिस तरह से होना चाहिए वैसी स्थिति जो है हमारे साथ घटनी चाहिए। उस दिन जो है तुम्हारे भीतर की समृद्धि जो है खिल पाएगी और अच्छे से निखर पाएगी, और उसको तुम बांट पाओगे, उस ऊर्जा को जो है तुम पूरे संसार के साथ बांट पाओगे। जब हम गुरु ओशो का पर्सपेक्टिव देखते हैं इस कार्ड की तरफ, तो उनका सिंपल सा जो है एक पर्सपेक्टिव ये है कि टर्निंग इनवर्ड्स, कि देयर इज ओनली वन वे आउट एंड दैट इज इन, कि सिर्फ एक ही रास्ता जो है तुम्हें बचा सकता है, एक ही एग्जिट है, एक ही सही मार्ग है, और वो मार्ग है अपने भीतर जाने का। और इस भीतर जाने में तुम्हें जो है ये देखना है कि कहीं तुम्हारा मन जो है तुम्हारे लिए जो है बाहर बाधाएं ना पैदा करे, बाहर तुम्हारे लिए उलझने ना बनाए। इन उलझनों से अपने आप को जो है एक डिस्टेंस क्रिएट करना, इन उलझनों से जो है एक गैप क्रिएट करना, ताकि जो है तुम भीतर जो है प्रवेश कर सको। तो फोर ऑफ कप्स का जो है एक मैजिकल जो एक सबसे बड़ा जो मैसेज जो इसमें रिवील होता है कि अपने भीतर तो जाना ही जाना है, और इस तरह से अपने भीतर जाना है कि जो बाहर की जो स्थितियां हैं वो भी जो है आपके सहायक हो जाए, कि उन बाहर की स्थितियों को भी जो है आप इस्तेमाल कर अपने भीतर जाने के लिए, कि इस मन को जो है हृदय की सेवा में लगा दो, कि मन को जो है सिर्फ संसार के लिए इस्तेमाल मत करो, लेकिन मन को इस मन को जो है इस्तेमाल कर लो अपने भीतर जाने के लिए भी। इसलिए ध्यान और जागरण ही मार्ग है, और अपने भावों के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने विचारों के प्रति एक साक्षी भाव, कि भीतर कोई बैठा हुआ है, कि भीतर एक 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 हल्का सा एक छोटा सा एक प्रकाश है जो हर वक्त देख रहा है, उसको जो है उसकी आग को जो है बढ़ा देना है, उसको इतना सपोर्ट कर देना है कि ताकि वो भवक के जल उठे, और उसके जलते ही तुम्हारे भीतर जो है एक स्टिलनेस आनी शुरू हो जाती है, एक ठहराव आ जाता है कि तुम अपने भीतर जो है स्थित हो जाते हो, कि तुम अपने भीतर जो है बैठ जाते हो, और उस भीतर के अंदर बैठना ही जो है तुम्हें अपने सेंटर में होना है।
जितना तुम अपने सेंटर में हो जाते हो, चीज़ें जो है उतनी सुंदर हो जाती हैं, सब कुछ वैसा हो जाता है जैसा होना चाहिए, सारा बैलेंस जो है लाइफ का जो है वो वहीं पे क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे जो है सदगुरु भी आपको यही बात बोलते हैं। सदगुरु का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग है, लेकिन वो कुछ इस तरह से सिंपली डायरेक्ट बात उनकी भी जो है भीतर जाने की ही है। वो सिंपली आपको ये बोल रहे हैं कि बाहर के संसार को कब तक चखते रहोगे, बाहर के संसार में जो है अनगिनत स्वाद है और इन स्वादों का कोई अंत नहीं है, इन स्वादों को चखते चखते जो है तुम खत्म हो जाओगे, इसलिए भीतर मुड़ो, इसलिए समझो कि कभी भी जो है तुम अपनी इच्छाओं की कभी भी पूर्ति नहीं कर पाओगे। एक इच्छा की पूर्ति करोगे कि 10 इच्छाएं और खड़ी हो जाएंगी। ये इंटेलिजेंस, ये बुद्धि अपने भीतर जो है निर्मित होने दो, ताकि जो है तुम अपने भीतर जो है ध्यान की यात्रा शुरू कर सको और इस डिजायर के पैटर्न को, इस और इस वासना के जाल को जो है तोड़ पाओ और अपने भीतर जो है एक स्थिति ला पाओ कि जहां पे तुम जो है ध्यान में जो है प्रवेश कर जाओ। इसलिए फोर ऑफ कप्स जो है अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक अपॉर्चुनिटी है स्पिरिचुअल ग्रोथ की, कि कैसे जो है आप इन दोनों के बीच में बैलेंस बना पाओगे, इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड। कहने का अर्थ कुछ ऐसा है कि इस इनर वर्ल्ड में जब जाना हो तो आउटर वर्ल्ड की भी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है, कि अगर आपने आउटर वर्ल्ड को जो है अपने इस तरह से क्रिएट कर लिया है कि वो आपके इनर वर्ल्ड को सपोर्ट करता है, तो भीतर जाना जो है आसान हो जाता है। ध्यान अपने आप में अल्टीमेट लग्जरी है। इस लग्जरी को जो है उपलब्ध हो जाओ, इस लग्जरी को जो है क्लेम कर लो, और एक बार ध्यान की लग्जरी तुम्हारे जीवन में आ जाती है तो उससे सुंदर और कोई गिफ्ट तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं है। तो इस वीडियो का मैं यही अंत करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रणाम, नमस्ते। इस चैनल को और हमारे काम को सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपनी पसंद की मेंबरशिप लेवल चुनें। आपके समर्थन से हमें बेहतर कंटेंट बनाने और हमारी कम्युनिटी को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारे साथ जुड़ें और हमारे सफर का हिस्सा बनें। प्रणाम।